नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां जयपुर के जनाना हॉस्पिटल के सामने चांदपोल स्थित श्री खंडेलवाल वैश्य केंद्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में श्री खंडेलवाल वैश्य हितकारिणी सभा ने बसंतोत्सव का आयोजन किया गया, जो अपने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए 3 वर्षों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण दस्तावेज के शुभारंभ के लिए समर्पित था। यानी कि छात्रों को सर्वांगीण व्यक्तिगत वाले व्यक्तियों में विकसित करने का उद्देश्य रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये संस्थान एक अनुकूलनीय, सहयोगी और तकनीकी रूप से उन्नत शिक्षण वातावरण बनाने का लक्ष्य रखती है। यह शैक्षणिक दृष्टिकोण छात्रों को केवल एकेडमिक उत्कृष्टता के साथ सुसज्जित करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा, जिसमें रोजगार परक कौशल के साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास व आध्यात्मिक आधारित शिक्षा भी शामिल है। इस अवसर पर छात्रों के लिए कौशल मूल्यांकन और प्लेसमेंट आयोजित करने के लिए 2 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। पहला MOU एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के साथ किया गया, जिसमें एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान हितकारिणी सभा के अंतर्गत संस्थानों के छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन करेंगे एवं उद्योगों एवं नियोक्ताओं के यहां पर रेगुलर विजिट एवं जॉब प्लेसमेंट की तैयारी भी करवाई जाएगी। इसके अध्यक्ष एमके जैन साहब मौजूद हैं और एम्प्लॉयर एसोसिएशन राजस्थान हमारे कैंपस में जॉब फेयर और प्लेसमेंट के कैंप लगवाएंगे और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारी संस्थाओं में हम वो स्किल एम्पार्ट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को। और दूसरा जो हमें हुआ है, आप इस सबने सुना होगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ChatGPT आ गया और AI बड़े खतरे के रूप में पढ़ते हैं हम अखबार में, लेकिन AI से हम क्या फायदा ले सकते हैं। आज की तारीख में एक स्टार्टअप है एडुबिल्ट, जो जेनेटिक AI में काम कर रहा है, और ChatGPT में भी आप देखेंगे तो एडुबिल्ट मिलेगा आपको। उनके साथ हमारा MOU होके हम हमारे बच्चों को स्किल असेसमेंट करेंगे, मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे और AI बेस्ड जब स्किल असेसमेंट होगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि मैं किस दिशा में मेरा जाने का, किस दिशा में करियर बना सकता हूँ, कौन सा उद्यम धंधा मैं कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से वो स्किल गैप एनालिसिस के बाद अपने उस स्किल को पूरा ले और उसके बाद वो एक अपना करियर में आगे बढ़े। इस ढंग से हम एक अच्छे नागरिक बना पाएंगे, जो शिक्षित होंगे और जो देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जैसे नाम से ही पता लगता है कि नियोक्ताओं का एक संगठन है स्टेट लेवल, और हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि जो बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ता है समाज को या स्टेट को, उसको दूर किया जाए। इसके लिए हमने 3 साल पहले ER जॉब पॉइंट्स के नाम से, ER हमारा शॉर्ट फॉर्म है, उसके नाम से एक संस्था शुरू की थी, और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी और मुझे गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि 3 साल में बिना किसी सरकारी सहायता के 10,000 बच्चों का प्लेसमेंट हम इंडस्ट्री में कर चुके हैं। और निश्चित रूप से आज जो हमने ये MOU साइन किया है, मैं अजय गुप्ता जी और आपके सभी पदाधिकारियों को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि समितियों की उपयोगिता कितनी ज्यादा होती है। अगर समितियां अगर बन जाती हैं तो एक टीम बन जाती है काम करने के लिए, और जब वो टीम वर्क के साथ काम होता है तो शहर और ज्यादा बेहतर ढंग से, शहर के लोगों की समस्याएं और ज्यादा बेहतर ढंग से सुलझाई जा सकती है। तो आपने आते ही आज जो जयपुर को ये सौगात दी है और समितियों के अध्यक्ष बनकर के आए हैं, वो सभी बहुत बेहतर काम करेंगे और जयपुर को साफ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया, भारत माता की, धन्यवाद, जय। जब हम एक और कदम माँ गंगा की इस छत्र छाया में, जो हमारे लिए जीवन दायनी है, हमारे सब पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने के रूप में हम याद करते हैं, और वो मुक्ति हमारे को हमारे ज्ञान से मिलती है, तो माँ सरस्वती का मंदिर भी यहीं पर है और माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में आज हम एक नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने संपूर्ण विकास के लिए दी है उसको हमारी संस्थाओं में लागू करने के लिए इस आयोजित कार्यक्रम में
हमारे मध्य हमारे पंचुअलिटी। तो एक बार तालियां सर की समय की पंचुअलिटी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके इस ऊर्जावान शब्दों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके एसोसिएशन के माध्यम से ज्यादा बच्चों को आने वाले समय में रोजगार भी मिलेगा और जो आगे आने वाले नए टूल एंड टेक्नोलॉजी है उनके बारे में भी बच्चे सीख पाएंगे। मैं ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। गायत्री देवी जी जो राजमाता थी, उन्होंने जवाहरलाल जी को पत्र लिखा कि मैं अपनी आंखों से कैसे जयपुर को लूटता और खसोटता हुआ देखूं। जयपुर अभी भी आंसू बहा रहा है, चाहे ओवरब्रिज बने हो, चाहे क्षेत्रों का विकास हुआ हो, ये सभी अनियंत्रित है। जयपुर जैसा शहर एम्स के बिना है, जयपुर जैसा शहर आईटीआई के बिना है। तय जयपुर के लिए हुए थे लेकिन चले जोधपुर गए। शिक्षा नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और शिक्षा केवल शिक्षा नहीं सुशिक्षा हो और सुशिक्षा ही सुसंस्कार दे पाती है। इस ध्येय को आगे रखकर हम आज शैक्षणिक दृष्टिकोण दस्तावेज के माध्यम से आने वाले समय में शायद इसका कुछ प्रभाव कुछ सुधार हमें देखने को मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पहल करते हुए एक नई शिक्षा नीति का प्रारूप पहले पूरे देश के सामने रखा। आमजन की और विद्वानों की राय का समावेश करके नई शिक्षा नीति घोषित की गई। धीरे धीरे आने वाले समय में जब उसका असर होगा और हम माइक्रोलॉजी शिक्षा नीति से बाहर निकलकर एक गुणवत्तापूर्ण एक संस्कारवान शिक्षक पद्धति की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से माननीय गोपाल जी ने जो बातें अभी कही हैं वो समाज में होना परिलक्षित होना शुरू हो पाएगा। ये मेरा दूसरा काम होता, इसके बाद में कोई काम नहीं करता, मैं कोई काम ही नहीं करता। एजुकेशन को हमको आजीविका से जोड़ना पड़ेगा और वो भी फिर वैल्यू नहीं बोलूंगा मैं, वैल्यू का काम करना पड़ेगा। अब दूसरी बात कहता हूँ युगों का, एक संत महाराज जी बहुत बड़े हैं और वो संत महाराज जी को मैं बड़ी मुश्किल से लेकर के घर पे आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ हैं उनके घर में उस संत की अभराम दास जी उनका नाम मैं बता देता हूँ, उनकी तस्वीर लगी हुई है। जब उनको मैं लेके आया घर पे बड़ी विनम्रता के साथ लेके आया, वो बैठ गए घर पर तो उन्होंने मुझसे सवाल किया, सीताराम जी आपके माँ बाप? अब मैंने समझा कि ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि महाराज जी मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। तो महाराज जी चुप हो गए और उनके चुप होते ही मेरी हवा निकल गई, मैंने कहा कोई गलती हो गई मुझसे, मैं तो सोच रहा हूँ मैंने कुछ नहीं कहा। कार्यक्रम में और एजुकेशनल विजन डॉक्यूमेंट 2024 के रिलीज के अवसर पर हमारे बच्चे पधारे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब श्रीमान जावर सिंह जी खन्ना साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूडीएच मंत्री जो है, इनका मैं स्वागत करता हूँ। आपका सरल स्वभाव के बारे में अभी इन दिनों जब इस कार्यक्रम के लिए हम इनको इनवाइट करने के लिए गए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगला विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जलधि नीलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे मा।
शहीद हुए हैं।